गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास केजी फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड स्मॉल के। सो लेट स्टार्ट, कम टू द पेज नंबर 48। ये है कैपिटल के और ये स्मॉल के। इसका साउंड है क। के फॉर काइट। कैपिटल के स्मॉल लेटर के। के फॉर कैंगरू। के फॉर काइट। के फॉर किटन। के फॉर की। के फॉर किंग। हमें यहाँ पर और भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो लेटर के से स्टार्ट होती हैं। चलिए हम इन्हें देखते हैं। के फॉर किचन। के फॉर किटन। के फॉर काइट। के फॉर की। के फॉर कंगारू। के फॉर किंग। नेक्स्ट अब बनाना सीखेंगे हम यहाँ पर कैपिटल के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में स्टैंडिंग लाइन। हमने बनाई यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन एंड सेकंड स्टेप में वन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। थर्ड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। हमने एक वन स्लैंटिंग लाइन ऊपर से बीच की ओर और सेकंड स्लैंटिंग लाइन बीच से नीचे की ओर बनाई। ये बन गया कैपिटल के। कैपिटल के। के फॉर काइट। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल के। कैपिटल के। के फॉर काइट। यहाँ वन लाइन मैंने आपको बनाकर और बोलकर बताई। ये थ्री लाइन आपको एच डब्ल्यू में करना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। हमें यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में हमें कुछ काइट्स की पिक्चर दी गई है। यहाँ पर एक जो ये बड़ी सी काइट है इसमें हमें कुछ स्टार दिख रहे हैं। थ्री स्टार कलर वाले हैं और एक स्टार ब्लैंक है। इसमें ना तो कोई कलर, इसमें कलर नहीं है। हमें इस स्टार पर सबसे पीछे वाले पेज से एक स्टिकर लेकर यहाँ पर पेस्ट करना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। ये स्टार का स्टिकर आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर पेस्ट करना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। अभी हमने कैपिटल के बनाना सीखा। अब हम स्मॉल के बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पेज नंबर 50। स्मॉल के। स्मॉल के बनाने के लिए हम ऊपर की थ्री लाइन का यूज करते हैं। कैपिटल के भी हमने ऊपर की थ्री लाइनों में बनाया, स्मॉल के भी हम ऊपर की थ्री लाइनों में बनाएंगे। पर इसमें स्टैंडिंग लाइन जो हम खींचते हैं उसको खींचते समय हम ऊपर की थ्री लाइन का यूज करेंगे और जो के बनाते हैं, के बनाते समय हम बीच की सिर्फ टू लाइन का यूज करेंगे और जो कैपिटल के आता है वो पूरी थ्री लाइनों में बनता है। फर्स्ट स्टेप में हमने बनाई यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन देखा आपने, जो बीच की टू लाइन है इसी में ही हमने बनाई है स्लैंटिंग लाइन। थर्ड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन।
ये बन गया स्मॉल के, के फॉर काइट। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, स्मॉल के। इसमें लाइन खींचते समय हम पूरी थ्री लाइन का यूज करेंगे, पर के बनाते समय हम सिर्फ बीच की टू लाइन का यूज करेंगे। ये है स्मॉल के, के फॉर काइट। स्मॉल के फॉर काइट, स्मॉल के फॉर काइट, स्मॉल के फॉर काइट। अभी हमने स्मॉल के बनाना सीखा। मैंने वन लाइन आपको यहाँ पर बनाकर बताई। जो थ्री लाइन है ये आपको एच डब्ल्यू में करना है। ऐसे ही आपको इन्हें बोल बोल कर लिखना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, चलिए इसे देखते हैं हम। किंग वॉन्ट्स टू फाइंड ऑल द थिंग्स दैट स्टार्ट विथ लेटर के, हेल्प हिम टू फाइंड द थिंग्स बाय ड्रॉइंग अ सर्कल ऑन देम। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स में जो पिक्चर्स लेटर के से स्टार्ट हुई है उस पर हमें सर्कल बनाना है। जैसे हमें यहाँ पर के फॉर किंग दिया गया है और उस पर सर्कल बना हुआ है। आपको भी इसमें देखना है कि इसमें कौन सी पिक्चर्स हैं जो के लेटर के से स्टार्ट हुई हैं। आपको उन पर सर्कल बनाना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट, कम टू द पेज नंबर 52, कैपिटल एंड स्मॉल एल। अब हम बनाना सीखेंगे कैपिटल एंड स्मॉल एल। इसका साउंड है ल। एल फॉर लोयन, कैपिटल एल, स्मॉल लेटर एल। एल फॉर लायन, एल फॉर लैम। एल फॉर लीफ, एल फॉर लेटर, एल फॉर लोटस। और भी हमें यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं जो लेटर एल से स्टार्ट होती हैं। चलिए हम उन्हें देखते हैं। एल फॉर लेटर, एल फॉर लोयन, एल फॉर लैपटॉप, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लेग, एल फॉर लॉग, एल फॉर लोटस, एल फॉर लैम्प। नेक्स्ट, कम टू द पेज नंबर 55। अब हम बनाना सीखेंगे यहाँ पर एल फॉर लोयन। तो चलिए शुरू करते हैं। एल बनाना बच्चों के लिए बहुत ही आसान होता है। एल बनाने के लिए हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। बोलिए, स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्टेप में हमने बनाई यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप में हमने बनाई स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये बन गया एल, एल फॉर लोयन। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल, एल फॉर लोयन। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल, कैपिटल एल, एल फॉर लोयन। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल, एल फॉर लोटस। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल, एल फॉर लोटस। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल, एल फॉर
लोटस। अभी हमने यहां पर कैपिटल एल बनाना सीखा। यहां पर वन लाइन मैंने आपको कैपिटल एल की बोलकर और लिखकर बताई। ये जो थ्री लाइन है ये आपको एच डब्ल्यू में करना है और ऐसे ही बोल बोलकर लिखना है। हमें यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में हमें एक पिक्चर में लोटस और उसके साथ में टू लीफ दी गई है। टू लीफ, इन टू लीफ्स में से एक लीफ्स में कलर भरा हुआ है और सेकेंड लीफ ब्लैंक है। हमें इस ब्लैंक लीफ में सबसे पीछे वाले पेज से स्टिकर लेकर यहाँ पर पेस्ट करना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। आपको ये स्टिकर यहां से लेकर यहाँ पर पेस्ट करना है। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 54। अब हम बनाना सीखेंगे स्मॉल एल। स्मॉल एल ऊपर की स्मॉल एल बनाने के लिए हम ऊपर की थ्री लाइन का यूज करेंगे। कैपिटल एल बनाते समय हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज किया। स्मॉल एल के लिए हम केवल स्टैंडिंग लाइन का यूज करेंगे। तो बोलिए स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया स्मॉल एल। एल फॉर लोयन, स्मॉल एल। एल फॉर लोयन। स्मॉल एल, 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 एल फॉर लोयन। अभी मैंने आपको यहाँ पर वन लाइन बनाकर और बोलकर बताई। ये जो थ्री लाइन है यह आपको एच डब्ल्यू में करना है। यह आपका एच डब्ल्यू है। आपको ऐसे ही इन्हें बोल बोलकर लिखना है। नेक्स्ट हमें यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए इसे देखते हैं हम। मैच द ऑब्जेक्ट्स विथ देयर शेडोज बाय ड्रॉइंग द लाइन। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स के नीचे हमें इनकी शेडोज यानी इनकी परछाई दी गई है। हमें इन पिक्चर्स को इनकी परछाई से मैच करना है। जैसे हमें सबसे फर्स्ट में दिया गया है लॉक, हमने यहाँ पर लॉक को उसकी शेडो से मैच किया। नेक्स्ट हमें दिया गया है लेटर, लेटर को भी हम उसकी शेडो से मैच करेंगे। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर को भी हम उसकी शेडो से मैच करेंगे। फिर लैम्प, लैम्प को भी हम उसकी शेडो से मैच करेंगे। ये आपका एच डब्ल्यू है। इसे आपको एच डब्ल्यू में करना है। नेक्स्ट कैपिटल एंड स्मॉल एम। एम फॉर मैंगो, इसका साउंड है म। तो बोलिए एम फॉर मैंगो। कैपिटल एम, स्मॉल लेटर एम, एम फॉर मैग्नेट। M for mango. M for mouse. M for mug. M for monkey.
हमें यहाँ पर और भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो लेटर एम से स्टार्ट होती हैं। चलिए हम इन्हें देखते हैं। एम फॉर मैट, एम फॉर माउस, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मून, एम फॉर माउंटेन, एम फॉर मैन, एम फॉर मग, एम फॉर मैंगोज, एम फॉर मिरर। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 59। यहां पर हम एम बनाना सीखेंगे, कैपिटल एम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बनाना सीखेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम बनाने के लिए हमें स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन का यूज करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने यहां बनाई स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टेप में हमने बनाई यहां पर स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन। थर्ड स्टेप में हमने बनाई यहां पर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ये लाइन ऊपर से नीचे की ओर आई और यहां से फिर ऊपर की ओर गई। बोलिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया एम, कैपिटल एम। एम फॉर मैंगो, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, एम, एम फॉर मैंगो। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, एम, एम फॉर मैंगो। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, एम, एम फॉर मैंगो। यहां हमने बनाना सीखा कैपिटल एम। यहां मैंने वन लाइन आपको बनाकर बताई और बोलकर भी बताई। ये जो थ्री लाइन है ये आपको एच डब्ल्यू में करना है और ऐसे ही बोल बोलकर आपको इसे लिखना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट, हमें यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में हमें एक मैंगो की पिक्चर दी गई है। आपको इस मैंगो में कलर फिल करना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 58, स्मॉल एम। अब हम बनाना सीखेंगे स्मॉल एम। स्मॉल एम बनाने के लिए हम बीच की टू लाइन का यूज करेंगे। कैपिटल एम बनाने के लिए हमने पूरी ऊपर की थ्री लाइन का यूज किया। स्मॉल एम बनाने के लिए हम बीच की टू लाइन का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने बनाई यहां पर स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टेप में हमने इसे यहां पर बनाई स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने इसे कर्व कर दिया। ये बन गया स्मॉल एन, जो इसके बाद हम बनाना सीखेंगे। एम के बाद हम स्मॉल एन बनाना सीखेंगे। ये बन गया स्मॉल एन। थर्ड स्टेप में हमने बनाई यहां पर स्टैंडिंग लाइन, फिर से हमने कर्व किया, फिर एक बार हमने फिर से कर्व कर दिया। ये बन गया स्मॉल एम। बोलिए, स्मॉल एम, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड कर्व,
स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम। यहाँ वन लाइन मैंने आपको बनाकर बताई और बोलकर बताई। ये जो थ्री लाइन है ये आपको एच डब्ल्यू में करना है, ये आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं हम इसे। ड्रॉ द लाइन टू मैच द सेम पिक्चर्स। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हीं से मैच करती हुई सेम पिक्चर हमें नीचे भी दी गई हैं। हमें इनको इनकी सेम पिक्चर से मैच करना है, ये आपका एच डब्ल्यू है।